प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मॉइल प्लेसमेंट सर्विस चैनल को फ्री जॉब्स अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मॉइल प्लेसमेंट सर्विस यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलती है जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कंटेंट, वीडियोस और बहुत सारे जॉब के न्यू न्यू टॉपिक। दोस्तों आज हमारे पास एक न्यू और बिल्कुल डिफरेंट, जो आपने अभी तक हमारे चैनल पे नहीं देखी होगी, ऐसी वैकेंसी आपके लिए लेके आया हूं। तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमें एवरी डे देखते हैं, जो हमारी वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ उन दोस्तों को ये वीडियोस जरूर शेयर किया कीजिए जिनको जॉब की नीड है। एक होते हैं जिनको केवल जॉब की नीड है, एक होते हैं एक्चुअल जिनको जॉब चाहिए, जिनको ऐसी नीड होती है कि वो इंटरव्यू के लिए भी जाना पसंद करते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, क्या कि जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनका सिलेक्शन होता है, और जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करते हैं उनका रिजेक्शन होता है। तो दोस्तों उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो जिनको एक्चुअल में जॉब की नीड है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हर एक फ्रेंड के साथ शेयर करें जिनको जॉब की नीड है। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हमारे पास जो आज की वैकेंसी रहने वाली है, इसमें हमें चाहिए प्रोडक्शन के लिए कैंडिडेट्स। अब प्रोडक्शन क्या होता है, किसी कंपनी में आपने देखा होगा प्रोडक्शन का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है। जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, जहां पे कोई प्रोडक्ट बनता है, सपोज हम किसी भी एक प्रोडक्ट की बात करें, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, या फिर हम बात करते हैं कोई बेबी टॉयज वगैरह होते हैं, किसी भी एक आइटम की बात कर लो, उनका प्रोडक्शन होता है, उनकी क्वांटिटी बताई जाती है, कितना बनना है, कितना प्रोडक्ट है, कितना मटेरियल है, कितना सप्लाई में है, कितना स्टोर में है, कितना मार्केट से परचेज करना है, क्या क्या मटेरियल इसमें लगेगा, और कितना मटेरियल की कॉस्ट आएगी, कितना मटेरियल के लिए हमारे पास लेबर है। तो वो सारा जो प्रोडक्शन का वर्क रहता है वो हैंडल करता है प्रोडक्शन मैनेजर। तो हमारे पास यहाँ पे तीन रिक्वायरमेंट है, एक है प्रोडक्शन मैनेजर की, एक है प्रोडक्शन सुपरवाइजर की, और एक है प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव की। यहां पर जो मेन वर्क है, मैं आपको वर्क समझा देता हूं। इनका वर्क क्या रहेगा, इनका वर्क रहेगा जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी कंपनी में वर्क होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब उनका वर्क क्या क्या रहेगा आप इसको ध्यान से समझना। कोई एक प्रोडक्ट जब कंपनी बनाती है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, सबसे पहली बात कि रॉ मटेरियल जो लगता है उसको, वो हमारे पास कब कितना है, स्टोर में कितना है, ऑर्डर कितना देना है, मंगवाना कितना है, ये चीज़। दूसरा होता है कि उसमें लेबर कितनी लगनी है, कोई प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें हर एक चीज़ में एम्प्लॉय की आवश्यकता होती है, उनको बनाने में, उठाने में, ले जाने में, तो वो एम्प्लॉय कितने लगने हैं, वो लेबर कितनी लगनी है। तीसरा, उस प्रोडक्ट को जो बन रहा है उसके साथ उसके सब प्रोडक्ट क्या क्या यूज़ होने हैं, वहाँ पे क्या क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट रहेगी, ये चीज़। चौथा होता है उसकी, जब वो प्रोडक्ट बनता है उसकी क्वालिटी चेक होती है कि ये प्रोडक्ट कितना सही है, बन भी रहा है सही या नहीं, अपनी जो क्वालिटी का जो पैरामीटर है उसको क्वालिटी चेक कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद आता है कि प्रोडक्ट की सप्लाई की ये अब रेडी है, यहाँ से हमारे पास ऑर्डर कितना आया, जो हमारे पास ऑर्डर आया वो हमारे पास रेडी है या नहीं है, हमें कितना बनाना है, रॉ मटेरियल कितना है, कितना मंगवाना है, ये सारा जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट रहता है ये सब लोग मिलकर हैंडल करते हैं। तो हमारे पास इनसे रिलेटेड आज की वैकेंसी रहने वाली है, समझ में आपको आ गया होगा, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग हमारे पास वैकेंसी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें जॉब टाइमिंग्स की। दोस्तों इट्स अ प्योर डे शिफ्ट, आपको मॉर्निंग कंपनी में जाना है और इवनिंग आना है, 10 to 7, 10 से 7 बजे की ये ड्यूटी यहाँ पर रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लोकेशन की, अगर हम लोकेशन की बात करें तो सेक्टर 37, सेक्टर 49, दो लोकेशन हमारे पास है गुड़गांव में, इन दो लोकेशन में हमें रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के कैंडिडेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन ऐसा कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे, बस आप ग्रेजुएट हो या आपने कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है या आप
ट्वेल्थ पास हो, आपने कोई डिग्री वगैरह ले रखी है, तो वो इसमें सफिशियंट है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि एज क्या रहेगी। दोस्तों यहाँ पे हमें जो मैनेजर और सुपरवाइजर पोजीशन है उसके लिए हमें 30 या 31 क्रॉस चाहिए, मतलब नॉट बिलो। एज जो होनी चाहिए वो 30 और 31 क्रॉस होनी चाहिए। हमारे पास 32 चल जाएगा, 33, 34 अप टू 45 तक। तो बिटवीन 32, 45 के बीच का जो कैंडिडेट होगा वो इसमें अप्लाई कर सकता है। बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सैलरी क्या रहेगी। पहले हम बात करते हैं सैलरी की। दोस्तों अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो फिक्स्ड सैलरी यहाँ पर आपकी रहने वाली है। सैलरी का जो ब्रैकेट है वो है 20 से 35,000 तक। मतलब अगर 20 कैंडिडेट ले रहा है अगर, तो उसको हाइक मिल जाएगी 25, 26, 27। अगर वो 30 ले रहा है तो यहाँ पर 35, 36 तक भी अगर कैंडिडेट डिजर्व करता है तो उसको मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे सैलरी का कोई इशू नहीं है, सैलरी ब्रैकेट ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा सैलरी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। 35, 36 तक कंपनी सैलरी प्रोवाइड कर देगी, लेकिन कैंडिडेट उतना डिजर्विंग होना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। दोस्तों यहाँ पे मिनिमम इस प्रोफाइल में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। ये एक्सपीरियंस में सेम प्रोफाइल का होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर आप टास्क करते हो तो उसमें आपको रिलेवेंट काम का एक्सपीरियंस ही मैटर करेगा। आपको सेम किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपने काम किया हुआ होना चाहिए, प्रोडक्शन से रिलेटेड आपने काम किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों ये आज की जो वैकेंसी थी हमारे पास, इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, आइए दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ का एक्सपीरियंस है, या आपके किसी नियर एंड डियर कोई भी फ्रेंड हो, कोई भी आपका नोन हो, अगर उसको इस डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन लाइन का एक्सपीरियंस है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, या फिर उनका रिज्यूम आप हमारी टीम को शेयर कीजिए, या फिर हमारे नंबर आप उनको शेयर कर दीजिए, वो हमसे बात करेंगे। सबसे पहले हम उनसे कुछ क्राइटेरिया वगैरह पूछेंगे कि जो हमने वीडियो में बताया है वो फिल करते हैं या नहीं करते। लोकेशन जो है गुड़गांव में है तो कैंडिडेट भी गुड़गांव का ही होना चाहिए, या फिर वो रिलोकेट कर सके गुड़गांव। अगर दिल्ली एनसीआर का है या लोकेलिटी में आता है, कोई नियर बाय का है, तो वो गुड़गांव में रह सके, गुड़गांव में आके जॉब कर सके। तो ऐसा कैंडिडेट कंपनी की डिमांड है, क्योंकि मॉर्निंग टू इवनिंग शिफ्ट है। अगर वो नोएडा से आएगा तो बहुत दूर, कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, और ट्रैफिक वगैरह रहता है तो बहुत टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस वजह से कंपनी चाहती है कि नियर बाय का ही कोई कैंडिडेट हो। अप्लाई करने के लिए आपको हमारी टीम को कॉल करना है, दिए हुए नंबर्स आपके पास हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो। हमारी टीम को कॉल करें, उनको बताएं कि मैं प्रोडक्शन में, मुझे एक्सपीरियंस है। केवल एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट ही कॉल करें जिनको सेम लाइन का एक्सपीरियंस है, तो वो आपका इंटरव्यू फिक्स करवा देंगे। हमारे पास नंबर ऑफ पोजीशन दोस्तों मैंने 3 आपको बताई हैं, तो जितना हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। और भी हमारी जॉब से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को चेक करें, वहां पे आपके लिए बहुत सारी जॉब्स हम अवेलेबल हैं। मिलता हूं दोस्तों आपसे फिर से न्यू वीडियो के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।